हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमेश एंड यू आर वाचिंग द प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो द प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा जारी की गई क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ की डेट शीट के बारे में, जो कि आपके लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन डेट शीट अब सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे अपनी इस वेबसाइट कैसे आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ स्टेप बाई स्टेप, एक एक करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने गूगल ब्राउज़र पर जाओगे। गूगल ब्राउज़र पर जाने के बाद आप यहाँ पे सीबीएसई की वेबसाइट खोलोगे, ठीक है। तो सीबीएसई की जो वेबसाइट है वो है cbse.nic। तो आप क्या टाइप करोगे, cbse.nic आप टाइप करोगे। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सबसे ऊपर वाला जो लिंक है, सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है, जो ये वाला है, ठीक है। आप जैसे इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोलेगा क्लिक फॉर द रिजल्ट्स और क्लिक फॉर द सीबीएसई वेबसाइट। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो आपको सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये दिखाई देगा। तो आप जैसे यहाँ पे ऊपर ऊपर की ओर को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखिए क्लास ट्वेल्थ डेट शीट, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन डेट शीट जो है क्लास ट्वेल्थ की भी जारी की गई है और क्लास टेंथ की भी जारी की गई है। नहीं तो आप नीचे से यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, डेट शीट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे डेट शीट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको टेंथ वाले पे क्लिक करना है, और अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्लास ट्वेल्थ वाले पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको पहले क्लास टेंथ वाले पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने क्लिक करा आप टेंथ वाले पे, ठीक है। तो देखिए मैंने डेट शीट डाउनलोड कर रखी है, तो मेरे में इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, इसको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, लेकिन मैंने पहले डाउनलोड किया तो मेरे लिए हो गया डू यू वांट टू डाउनलोड, यस, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो है क्लिक कर दोगे तो इसको इसकी पीडीएफ जो है आपके इसमें ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आप इसे डाउनलोड बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ आपका कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कौन सा एग्ज़ाम आपका कौन सी डेट को पड़ेगा। तो देखिए ये बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी कभी कोई गलत नहीं होगी, एकदम करेक्ट जानकारी आपको दी जाएंगी, एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से बिल्कुल। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सॉरी, देखिए फॉर द एग्जामिनेशन 2020। तो देखिए जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये डेट शीट जारी की गई है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका कौन सा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ये एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 15 फरवरी से, लेकिन आप चिंता ना करें, आप अपना सब्जेक्ट मैच कर लें, ठीक है। सब्जेक्ट मैच करोगे तो आपका जो इसमें उसकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ आपकी जो मेंशन होगी। तो चेक कीजिए आपका सब्जेक्ट इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे इसमें जहाँ तक मुझे लगता है जो पार्ट वन है, ठीक है ना, इसमें तो आपका बहुत ही कम कोई सब्जेक्ट होगा। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं देखो इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे तो मैं इसको स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूँ, आपका जो भी एग्ज़ाम हो आप उसको जो है इस तरीके से मैच कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे है 26 फरवरी का इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर, जिसका सब्जेक्ट कोड कितना है 101 और 184, और ये टाइमिंग क्या होने वाली है, सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक आपका पेपर होगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 29 तारीख का, ठीक है, जो 10:30 से लेके 1:30 बजे तक की आपकी जो टाइमिंग होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके ये भी अगर आपके सब्जेक्ट हो तो आप चेक कर लेना। उसके बाद देखिए साइंस का पेपर कब होने वाला है, क्लास टेंथ का साइंस का पेपर होने वाला है 4 मार्च को, ठीक है। तो साइंस का पेपर कब होगा, 4 मार्च को। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत की, संस्कृत का पेपर कब होने वाला है, 7 मार्च को होने वाला है, 1:30 बजे से लेके
सॉरी 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक का आपका ये पेपर होगा, और इसका कोड है 122। उसके बाद देखिए मैथ्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ज़्यादातर फोकस जो बच्चों का मैथ्स पे होता है। देखिए मैथ्स का आपका पेपर कब होने वाला है, ये होने वाला है आपका 12 मार्च का, ठीक है। तो गैप भी आपको ठीक ठाक ही मिल गया तकरीबन, यहाँ पे 4 या 5 दिन का आपको जो है गैप मिल रहा है। उसके बाद पेंटिंग बहुत ही कम बच्चों पे होता है। तो उसके बाद देखिए सोशल साइंस, देखिए कब है सोशल साइंस का पेपर होने वाला है आपका 18 मार्च का, SST का पेपर है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर वगैरह के पेपर है, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, तो आप इनको जो है ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। और ये यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। और ये बात हमें बताती है कि ये जो बात है एकदम करेक्ट है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ठीक है। तो ये थी क्लास 10th की डेट शीट, ठीक है। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी और भी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।